नमस्कार बच्चों, नव भारती परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन, इसको हमने शुरुआत कर दी थी। इसके अंदर मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के फैक्टर्स और उसके इम्पोर्टेंस को बता दिया था। मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परमिएबिलिटी एंड ऑस्मोसिस और उसकी इम्पोर्टेंस को बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर में शुरुआत करती हूँ परमिएबिलिटी से। परमिएबिलिटी वर्ड ही पता चल रहा है, यानी कि किसी चीज़ की एबिलिटी। किस चीज़ की एबिलिटी? वो एबिलिटी जो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को पास कराने में मदद करती है, वो परमिएबिलिटी कहलाती है। यानी कि एक तरह से जो फिल्ट्रेशन का जो कार्य होता है वो परमिएबिलिटी कहलाता है। ये जो प्रोसेस होती है ये किसी भी सेल मेम्ब्रेन के दौरान होती है। अगर हम परमिएबल की बात करें, परमिएबल वो इसको आप बोल सकते हो कि ये जो वर्ड है परमिएबल, इसका मतलब होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों तरीके के मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं और उन मॉलिक्यूल्स को जब हम किसी मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर किसी फिल्टर के थ्रू निकालते हैं और वो दोनों ही तरीके के मॉलिक्यूल्स यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट इजीली पास हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं परमिएबल। यानी कि अगर परमिएबल की बात करें तो परमिएबिलिटी में परमिएबल वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है कि पासिंग ऑफ बोथ सब्सटेंस लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ईजीली। ठीक है, वो किसके अंदर देखने को मिलता है? सेल वॉल के अंदर। जो सेल वॉल होती है उसके अंदर देखने को मिलता है कि मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उसके अंदर प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर दो डिफरेंस बताए थे। पहला डिफरेंस बताया था मैंने कि इसके प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करें परमिएबिलिटी यानी कि परमिएबल की, तो ये इसकी सेल वॉल के अंदर होता है कि सेल वॉल के थ्रू बोथ सब्सटेंस जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं वो इजीली पास हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम परमिएबल। और सेलेक्टिव परमिएबल में क्या हो जाता है? सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब हो जाता है कि पासिंग ऑफ, यानी कि अगर मैं पहले बता देती हूँ आपको, लिखूँगी बाद में, कि अगर कोई भी सब्सटेंस जब पास होता है उसमें से सॉल्वेंट तो बड़े ही इजीली पास हो जाए और सॉल्यूट के कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स ही क्या कर पाएँ, पास हो पाएँ, ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। ये जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इजीली पास कर देती है सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, बट जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ही सेलेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं जिनको वो अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट कर देती है, अदरवाइज वो पास आउट नहीं करती है। इसीलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल, यानी कि पासिंग ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन एंड फ्यू सॉल्यूट पार्टिकल्स ये होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। किसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये तो मैं आशा करती हूँ कि ये दोनों आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल के बीच में डिफरेंस क्या है। परमिएबल वो होते हैं जो दोनों ही सब्सटेंस को, डिफरेंट जो दोनों सब्सटेंस हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनको ईजिली पास करा देते हैं, बट सेलेक्टिव इसके अंदर क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल के अंदर कि सॉल्वेंट के सॉल्यूशन को यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो वो इजीली पास करा देते हैं, बट सॉल्यूट के पार्टिकल्स को कुछ ही सिलेक्टेड होते हैं जिनको वो पास
करा पाते हैं, इसीलिए उन सेलेक्टिव परमेबल नाम रखा है। अगर हम बात करें सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल में क्या होते हैं कि सेमी परमिएबल में तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो पास हो जाते हैं बट सॉल्यूट बिल्कुल भी वो नहीं हो पाते हैं, पास हो पाते हैं। यानी सेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ मतलब टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स में से वन टाइप पार्टिकल्स तो इजीली पास हो जाएं और अदर टाइप पास ना हो सके, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल। यानी कि पासिंग ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन बट सॉल्यूट पार्टिकल्स डजंट पास, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल, यानी कि पासिंग ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। पासिंग ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स नॉट सॉल्यूट, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल। और लास्ट आ जाती है हमारी इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब किसी भी तरीके की फिल्ट्रेशन ना होना, यानी कि ना ही तो सॉल्वेंट पार्टिकल पास हो पाए ना ही सॉल्यूट पार्टिकल पास हो पाए, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इम्परमिएबल कंडीशन। यानी कि इम्परमिएबिलिटी कब आ जाती है, जब नॉट पासिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स through their membrane, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसका क्यूटिकल एंड कॉर्क में ऐसा इम्परमिएबिलिटी देखने को मिलती है कि ना ही तो सॉल्यूट पास हो पाते हैं ना ही सॉल्वेंट पास हो पाते हैं, ऐसी कंडीशन में हम उनको इम्परमिएबल बोलते हैं। तो परमिएबिलिटी के बेसिस पे हमने चार डेफिनेशन पढ़ी, परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल और सेमी परमिएबल एंड लास्ट इम्परमिएबल। तो मैं आशा करती हूँ कि इन सभी में से आपको सारी की सारी ये जो डेफिनेशंस हैं वो इजीली क्लियर हो गई होंगी। कई बच्चों के दिमाग में जो होता है वो कन्फ्यूजन रहता है ये इम्परमिएबल के बीच में और सेमी परमिएबल के बीच में। तो सेमी परमिएबल में सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल पास होते हैं और इम्परमिएबल में दोनों ही पार्टिकल पास नहीं होते हैं। तो ये आपका परमिएबिलिटी का टॉपिक जो होता है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ऑस्मोसिस। तो परमिएबिलिटी के बाद में बात आती है हमारी ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस आर सेपरेटेड बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अगर दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के अगर सोल्यूशन किसी भी किसके अंदर देखे जाएं, यानी कि ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टू सोल्यूशन हो डिफरेंट कंसंट्रेशन के, वो अगर किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किए जाएं, यानी कि दो सॉल्यूशन हैं, ये एक सॉल्यूशन ये डिफरेंट कंसंट्रेशन में है, ये हायर कंसंट्रेशन में, अगर हम मान लो आप कि ये हायर कंसंट्रेशन में है ये लोअर कंसंट्रेशन में है, अगर ये हायर कंसंट्रेशन के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये इसमें अगर आप ये देखें कि सॉल्यूशन ऑफ टू डिफरेंट कंसंट्रेशन, अगर टू डिफरेंट कंसंट्रेशन का यानी कि एक हाई कंसंट्रेशन में है एक लो कंसंट्रेशन में अगर सॉल्यूशन है, वो अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट यानी कि सेपरेट किए जाएं, ऐसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी कि ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि टू डिफरेंट कंसंट्रेशन पार्टिकल किसके सॉल्यूशन के अंदर
टू डिफरेंट कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं वो किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट हो रहे हो, ऐसे प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर हम बात करें कि इस बीकर के अंदर कम्प्लीटली सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हम डिफ्यूजन के अंदर देखते हैं कि डिफ्यूजन के अंदर जब दोनों पार्टिकल्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं तो उसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। बट यहाँ खाली हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट जो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस होता है वो एक डिफ्यूजन की प्रोसेस भी रखता है, क्योंकि जहाँ हायर कंसंट्रेशन किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर देखा जाएगा वहाँ पर सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो लो पाया जाएगा, और जहाँ पर कंसंट्रेशन किसी मॉलिक्यूल का क्या होगा, कम होगा, वहाँ पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जो होगा वो हाई होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक तरीके से ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है उसके अंदर डिफ्यूजन भी देखने को मिलता है। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू दोनों तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट इसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वो इस सॉल्यूशन के अंदर जो डिफरेंट कंसंट्रेशन के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करें, सेपरेट हो जाएं, ऐसी कंडीशन को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाती हूँ कि ऑस्मोसिस प्रोसेस एक्चुअली होती कैसे है। तो ये आप एक डायग्राम देख रहे हो, ये एक थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर आप जो देख रहे हो ये दोनों थिस्टल फनल हैं। ये थिस्टल फनल के अंदर ये एक बीकर है जिसमें हमने वाटर लिया है। इस वाटर का जो ये वाटर है, ये वाटर है, यहाँ भी वाटर है, ये वाटर है। इसके अंदर ये एक शुगर सॉल्यूशन से भरा हुआ एक फनल है, इसके अंदर भी शुगर सॉल्यूशन है। अगर हम ये देखें तो इसके अंदर ये पर्चमेंट पेपर लगा हुआ है। ये पर्चमेंट पेपर जो होता है यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यानी कि सेमी परमिएबिलिटी का काम कर रहा है, यानी कि ये पर्चमेंट पेपर क्या करेगा, ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे उसको पास आउट करेगा। यानी कि जब यहाँ पर आप प्रोसेस देखोगे तो ये जो सुगर सॉल्यूशन है इसमें से वाटर यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल डिफर होते जाएंगे। ये एक इनिशियल लेवल है शुगर का, ये फाइनल लेवल है किसका, शुगर का। यानी कि ये इस थिस्टल फनल के अंदर शुगर जो है ये ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू, इस ये जो पर्चमेंट पेपर है इसके थ्रू बीकर में बाहर आ जाएगा, और शुगर जो है वो एक अपना एक लेवल मेंटेन कर लेगा, क्योंकि इस पर्चमेंट पेपर के थ्रू क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही थे जो कि क्या हुए, रिलीज आउट हो पाए, यानी कि डिफर हो पाए इस सॉल्यूशन में से। तो ये तो हुआ किसका, ऑस्मोसिस प्रोसेस का एक डायग्राम और एक्सपेरिमेंटल व्यू। अगर हम बात करें कि ऑस्मोसिस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो ऑस्मोसिस टू टाइप्स की होती हैं, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। नाम से ही पता चल रहा है, एंडो ऑस्मोसिस मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ऑस्मोसिस होती है उसको हम एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं, और जो सेल के बाहर जाके जो प्रोसेस होती है उसको हम एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं। इनको मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ कि एंडो ऑस्मोसिस क्या है और एक्सो ऑस्मोसिस क्या है। तो अगर हम ऑस्मोसिस के टाइप्स की बात करें तो मैंने आपको टू टाइप्स बताए थे, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। उसमें से मैं एंडो ऑस्मोसिस को बता रही हूँ कि एंडो ऑस्मोसिस एक्चुअली होता क्या है। व्हेन अ सेल इज पुट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि किसी सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप। अगर किसी की सेल सैप से
किसका कंसंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल सबसे अगर कम होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि किसी सॉल्यूशन का किसी सेल के अंदर उसकी सेल सबसे कम कंसंट्रेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो एंडोस्मोसिस क्या होती है कि व्हेन अ सेल इज पुट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम द सेल, यानी कि जब अगर किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जाए, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मैंने क्या बताया कि वो सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सेल सबसे कम हो, ऐसे जब ऐसे सॉल्यूशन में किसी भी सेल को डाल दिया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके वो उसकी सेल के साथ डिफ्यूजन करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अगर इसे अलग वर्ड्स में बोला जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी सेल के अंदर वाटर यानी कि सॉल्वेंट की एंट्री होना किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एंट्री होना क्या कहलाता है, एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। एंडो मतलब कि वाटर का सेल के अंदर आना और उसके सेल के साथ में क्या कर लेना, डिफ्यूजन कर लेना, एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन उसके सेल सेट के कंसंट्रेशन से कम हो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। अगर हम बात करें एक्सोऑस्मोसिस की तो ये तो बात हुई एंडोऑस्मोसिस की, वही बात होगी एक्सोऑस्मोसिस की। एक्सो मतलब के बाहर, तो मैं बताती हूँ कि एक्सोऑस्मोसिस क्या है। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि जब हम किसी सेल को किस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे थे, हाइपोटोनिक कौन सा था सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल सेप से क्या हो, कम हो। जब कम है तो जब वाटर का जो उसका वाटर सॉल्वेंट जो होगा वो क्या करेगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इट मींस वाटर जो है वो अंदर की तरफ आएगा क्योंकि हाइपोटोनिक यानी कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है तो वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा। इसी के जस्ट अपोजिट हो जाता है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सेल होती है जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्मा से ज़्यादा हो, ऐसे जब सॉल्यूशन में किसी सेल को डाला जाता है तो जो सॉल्वेंट होता है वो सेल से बाहर चला जाता है, यानी कि सॉल्वेंट यानी वाटर क्या करेगा, वो सेल से बाहर चला जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। अगर अदर वर्ड में हम बात करें तो रिमूवल ऑफ वाटर। फ्रॉम द सेल कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। वर्ड से ही पता चल रहा है एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। अंदर क्या आ रहा है, वाटर। क्या आ रहा है, वाटर। और बाहर क्या जा रहा है, वाटर। किसमें से, सेल में से। किसमें से, सेल में से। यानी कि सेल में से जब वाटर बाहर जा रहा है क्योंकि उसकी जो सेल है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जा रहा है तो वो कंडीशन होती है एक्सोऑस्मोसिस। और जब वाटर सेल्स के अंदर आ रहा है क्योंकि उसकी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जा रहा है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम एंडोऑस्मोसिस। तो ये टाइप्स हुए किसके, ऑस्मोसिस के। अब हम पढ़ेंगे किस इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। अगर हम ऑस्मोसिस के इम्पोर्टेंस की बात करें कि इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले अगर हम सबसे पहला इम्पोर्टेंस देखें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स एंड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर इन द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यानी कि
जो हमारा प्लांट होता है उसके जो रूट हेयर्स होते हैं, मैंने बताया था कि रूट का जो वाटर होता है उसका इनटेक प्लांट प्लांट किसके थ्रू करता है, वाटर सॉइल होती है उसके थ्रू। सॉइल में प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, रूट। रूट में ऐसा क्या होता है, रूट हेयर्स, जिसके थ्रू वो वाटर को इनटेक करता है किसमें से, सॉल्यूशन में से, किसमें से, सॉइल में से, सॉरी सॉइल में से रूट हेयर्स वाटर का इनटेक करते हैं, ठीक है। यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स, एंड जब वो एब्जॉर्ब कर लिया तो अब उसको क्या करेगा, मूवमेंट करेगा उसका, यानी कि एंड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरी सेल में मूवमेंट कराने का जो काम होता है किसमें, प्लांट के अंदर, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। यानी कि रूट हेयर्स के थ्रू वाटर को इनटेक करके और प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में वाटर को पहुंचाने का काम किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। ये तो हुई इसकी सबसे पहली इम्पोर्टेंस। अगर सेकेंड इम्पोर्टेंस की बात करें कि जो सेल की जो टर्जिडिटी होती है वो उसके सेल के ऑस्मोसिस के ऊपर ही डिपेंड होती है, क्योंकि ऑस्मोसिस ही वो प्रोसेस होती है जिसमें कि सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। यानी कि अगर प्लांट की सेल जब लो वाटर का वो करते हैं, फील करते हैं, तो वाटर जो है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके उसकी टर्जिडिटी को क्या कर देता है, उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन कर देता है। यानी कि सेल की, वाटर के, प्लांट के जो सेल हैं उनकी टर्जिडिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑस्मोसिस के ऊपर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंस देखें तो वो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट पार्ट्स, जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्लांट के अंदर उसके वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है, जिसमें कि जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जाइलम ही वो पार्ट होता है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और इसी ही जाइलम के थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस भी होती है। यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस ही वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सभी पार्ट्स में प्लांट के में करती है। चौथा जो है, अगर यंग सेल्स की बात करें, प्लांट के अंदर जो यंग सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑस्मोसिस के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि जो ग्रोइंग सेल्स होती हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ऑस्मोसिस वही प्रोसेस है जो कि हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराती है किसको, वाटर को, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। पांचवा है प्लांट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड डेजिकेशन, यानी कि प्लांट जो होता है जो फ्रीज हो जाते हैं या फिर सूख जाते हैं ऐसी कंडीशन से भी ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है उसको बचाता है, यानी डेजिकेशन और फ्रीजिंग जो हमारी प्रोसेस है उससे भी हमें ऑस्मोसिस जो है वो बचा के रखता है। अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस एक तरीके से प्लांट के ग्रोथ में, उसके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके क्या कहते हैं टर्जिडिटी में, उसकी फ्रीजिंग एंड डेसिकेशन से बचाने में, और उसके रूट हेयर से वाटर इनटेक करने में और उसके वाटर का मूवमेंट कराने में हेल्प कराता है, ये इसका इम्पोर्टेंस होती है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो हमने परमेबिलिटी पढ़ी, परमेबिलिटी के अंदर हमने परमेबल, सेमी परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल और इम्परमेबल के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, ऑस्मोसिस में हमने ऑस्मोसिस क्या होता है ये पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी और उसके टाइप्स पढ़े, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस।
एंडो ऑस्मोसिस और एक्जो ऑस्मोसिस में बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो जाती है कि एंडो ऑस्मोसिस क्या है और एक्जो ऑस्मोसिस क्या है। तो एंडो और एक्जो ऑस्मोसिस इसके वर्ड से ही आप पहचान सकते हो। इसको याद करने के लिए आप ये कर सकते हो, एंडो मतलब कि अंदर, यानी कि वाटर जब अंदर आ जाए सेल के अंदर तो वो एंडो ऑस्मोसिस होती है, और वाटर जब सेल के बाहर चली जाए तो एक्जो ऑस्मोसिस होती है। और ऑस्मोसिस क्या होती है, मैंने बताया था, जो सेल होती है, जो सेल कंसंट्रेशन, जो किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है, जब वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो वो, और वो एक सेलेक्टिव परमिएबल के थ्रू कोई भी सॉल्यूशन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती हैं वो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट होती हैं तो ऐसी कंडीशन को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के अंदर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑस्मोसिस के अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा था, बट किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास आउट नहीं हो रहे थे। बट ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, पास आउट कराता है सॉल्यूशन में से। तो ऐसी कंडीशन, ये जो दोनों हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये दोनों प्रोसेस तो सेम जैसी सी होती हैं, दोनों के इम्पोर्टेंस भी बहुत सिमिलर से ही हैं, और डिफरेंस ये है ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है जो कि क्या करती है, परमिएबिलिटी दे देती है, यानी कि एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन वो सेलेक्टिव सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल्स को सेलेक्ट करके उनको पास आउट कराती है। तो ये हुआ हमारा क्या, डिफ्यूजन हो गया, इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन हो गया, उसके बाद ऑस्मोसिस हो गया, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस और टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस हो गया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।